नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस टू की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने विभवमापी पढ़ रहे थे, विभवमापी के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। अपना जो टॉपिक था वो था विभवमापी के अनुप्रयोग। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, विभवमापी के अनुप्रयोग है और इसके अंदर अपने तीन अनुप्रयोग पढ़ चुके थे। आज अपने चौथा अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। चौथा अनुप्रयोग है विभवमापी द्वारा वोल्टमीटर का असागर। ठीक है, अपना जो टॉपिक है वो क्या है, विभवमापी की सहायता से वोल्टमीटर का अंशांकन या अंश शोधन बोल सकते हो आप लोग, अंशांकन या अंश शोधन। ठीक है, अंश शोधन। देखिए, सबसे पहले तो अपने बात कर लेते हैं कि ये जो अपने अंश शोधन या अंशांकन लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। जो अंश शोधन या जो अंशांकन हम लोगों ने लिख रखा है, इस अंशांकन या अंशोधन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर हम लोग एक तो देखते हैं वोल्टमीटर, क्या देखते हैं वोल्टमीटर, और एक देखते हैं एमीटर। दोनों का ही अंशांकन है, दोनों की बात करनी है तो अंशांकन का मतलब दोनों का एक साथ आपको बता देता हूँ। एक तो होता है वोल्टमीटर और एक होता है एमीटर। ये दोनों जो है वो अपने किससे बनाए जाते हैं, ये दोनों के दोनों बनाए जाते हैं धारा मापी से। जो हमारे पास में धारा मापी होता है, इस धारा मापी से किसे बनाया जाता है, वोल्टमीटर को, और इसी धारा मापी से किसे बनाया जाता है, इसी धारा मापी से बनाया जाता है एमीटर को। यानी अपनी जो धारा मापी है वही किस में बदल जाती है, वोल्टमीटर में, और वही धारा मापी किस में बदलती है, एमीटर के अंदर बदलती है। कहने का मतलब ये कि अपने वोल्टमीटर और एमीटर जो किसे मॉडिफाई करके या परिवर्तित करके बनाए जाते हैं, तो वो है अपना धारा मापी। बनाए कैसे जाते हैं इसकी भी अपने बात करेंगे, वो डिटेल से बात तो अपने सातवें चैप्टर के अंदर करेंगे, पर कुछ एक बात मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे धारा मापी है, पहले तो वोल्टमीटर को देखो, वोल्टमीटर और एमीटर। एक बात तो आपको पता होगी कि जब इन दोनों को परिपथ में जोड़ते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, परिपथ में जोड़ते हैं, तो कैसे जोड़ते हैं। वोल्टमीटर हमेशा कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और एमीटर कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो वोल्टमीटर को कौन से क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और एमीटर को कौन से क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये तो वो बात है जो आज तक आप लोग हमेशा पढ़ते हैं, कुछ नई बात अपने इसके अंदर देखेंगे। देखो, धारा मापी से अपने ये बात करेंगे कि इन्हें जोड़ा क्यों जाता है, इसे समांतर क्रम में और इसे श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं। तो जब भी धारा मापी जो है, धारा मापी से बनाते समय जब इन्हें धारा मापी से बनाया जाता है, तो जो वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में क्या किया जाता है, उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है, और एमीटर के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध, समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध, और इस अल्प प्रतिरोध को अपने कहते हैं संट। तो जब इन्हें बनाया जाता है तो वोल्टमीटर के तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं, और एमीटर के क्या किया जाता है, समांतर क्रम में संट जोड़ा जाता है, और इससे अपने वोल्टमीटर और एमीटर जो है वो दोनों बनते हैं। जब ये दोनों बनते हैं तो देखो, इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा रखा है, यदि मैं इसे परिपथ में
श्रेणी क्रम में जोड़ दो, यानी यदि वोल्टमीटर को अपने क्या कर देंगे श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो इसे बनाते समय अपने इसके उच्च प्रतिरोध लगा करके बनाए तो परिपथ में आगे धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी। इसलिए वोल्टमीटर को हमेशा कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और जब एमीटर अपने बना रखा है ये अपने क्या लगा करके बनाए, संट लगा करके बनाए, तो इसे आप लोग क्या कर सकते हो आराम से श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हो। तो ये बनाने का तरीका है वोल्टमीटर और एमीटर को। अब देखो आगे, अपने वोल्टमीटर और एमीटर को बनाया कहाँ से है, धारामापी से बनाया। जो हमारे पास में वोल्टमीटर है और जो एमीटर है उसे हम लोगों ने बनाया कैसे है, तो उसे हम लोगों ने बनाया है धारा मापी से, यानी धारा मापी को मॉडिफाई करके क्या बने हैं, वोल्टमीटर और एमीटर बने हैं। अब जब इन्हें धारा मापी से बनाया जाता है, जैसे वोल्टमीटर की बात करें तो वोल्टमीटर बनाते इसमें श्रेणी क्रम में क्या जोड़ा है, हम लोगों ने उच्च प्रतिरोध जोड़ा है। तो धारा मापी से वोल्टमीटर बनाते इसमें देखिए, धारा मापी से जब हम लोगों ने वोल्टमीटर बनाया उसे, तो अपने क्या किया, उच्च प्रतिरोध जोड़ करके बना दिया। पर उसके अंदर जो स्केल लगे हुए हैं, ये देखिए उसके अंदर क्या लगा हुआ है, जो स्केल लगा हुआ है वो पहले कहाँ था, जीरो पर था, और वो जीरो कहाँ था, वो जीरो था उसके बीच में। पर जो वोल्टमीटर होता है उसका जीरो कहाँ होता है, उसका जीरो होता है एक साइड में, ठीक है, उसका जीरो कहाँ होता है, एक साइड में होता है। अब जब एक साइड में हो गया तो यहाँ तो पठ्यांक लिखे हैं 10, 20, 30, जो स्केल नीचे लिखा गया है उस पर 10, 20, 30 लिखे गए, और इसमें अपने को चाहिए 10, 20 इस तरीके से, ठीक है, या 1, 2 जैसे 0, 1, 2 इस तरीके से चाहिए, और उस पर लिखे कैसे गए हैं 30, 20, 10 इस प्रकार से लिखे गए हैं। तो अब अपने यहाँ क्या करना पड़ेगा, अब अपने ये जो इसके नीचे स्केल लिखा गया है, इस स्केल का यदि बिल्कुल भी नहीं लिखा है तो अपने क्या करना पड़ेगा, इसका अंशांकन करना पड़ेगा, इसे फिर से लिखना पड़ेगा। और अगर लिखा गया मान ठीक से नहीं आ रहे तो अपने इसका क्या करना पड़ेगा, अंश शोधन करना पड़ेगा, यानी जो स्केल लिखे गए हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। जैसे आपने वोल्टमीटर से कहीं पर क्या किया, विभव का मान या जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को ज्ञात किया, और वहाँ वोल्टेज कितनी आ रही है, एक आ रही है, वास्तव में वहाँ वोल्टेज एक है, परंतु वोल्टमीटर वहाँ कितनी बता रहा है, वोल्टमीटर वहाँ बता रहा है 1.1, ठीक है, वोल्टेज है एक पर बता कितनी रहा है, 1.1 रहा है। इसका मतलब ये जो एक यहाँ लिखा गया है ये यहाँ ना आकर के कहाँ आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था, ठीक है। ये स्केल है, इसे सुधारना ही क्या है, इसका अंशांकन या अंश शोधन करना है, यानी जो स्केल लिखा गया है उसका अपने क्या कर रहे हैं, अंश शोधन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने पास में आता है अंशांकन या अंश शोधन करना। अब देखिए अपने आगे अपने इसके अंदर, तो यदि अपने कोई जांच करनी है उसको या फिर से स्केल लिखना हो तो अपनी किसकी आवश्यकता पड़ती है, अंशांकन या अंश शोधन की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले अपने इसके अंदर देखते हैं सिद्धांत, सबसे पहले अपने इसके अंदर क्या देखते हैं, सिद्धांत देखते हैं कि जो वोल्टमीटर है उसका सिद्धांत क्या है। तो वोल्टमीटर का सिद्धांत, ये जो अंशांकन है इसका सिद्धांत क्या है, तो इसके सिद्धांत का मतलब है सबसे पहले क्या किया जाएगा, जिस भी विभव या वोल्टता को ज्ञात करना है उसे विभव मापी से और दूसरा वोल्टमीटर से, दोनों से ही क्या करते हैं, उसे ज्ञात करते हैं, यानी जो भी अपने वोल्टेज ज्ञात करने हैं उसे विभव मापी से और जो वोल्टमीटर है उस दोनों से ज्ञात किया जाता है। फिर दोनों के मध्य जो अंतर है उस अंतर और वोल्टमीटर का जो पठ्यांक है उनके बीच में क्या किया जाता है, ग्राफ खींचा जाता है। वो जो ग्राफ है वो अपना क्या कहलाता है, अंशांकन या अंश शोधन वक्र कहलाता है। यानी सबसे पहले अपने इनके मध्य अंतर लिया जाएगा, फिर जो त्रुटि आ रही है और जो वोल्टमीटर का पठ्यांक है उन दोनों के मध्य क्या किया जाएगा, ग्राफ खींचा जाएगा, और उससे अपने क्या करेंगे, अंशांकन या अंश शोधन करेंगे। अब अपने इसके अंदर देखते हैं कि जो परिपथ संयोजन है वो किस प्रकार से किया जाएगा, ठीक है। देखिए परिपथ संयोजन, परिपथ संयोजन ठीक है, ए और बी जो है ये अपने पास में दो
पॉइंट है ए और बी। ये हमारे पास में क्या है, धारा नियंत्रक है, ये कुंजी है और ये क्या है एक सेल ई। तो ई एक सेल है, के कुंजी है और आरएच जो है वो क्या है धारा नियंत्रक। और परिपथ में इस प्रकार से क्या हो रही है धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ आपने क्या कर दिया एक मानक सेल जो है वो काम में लेते हैं, क्योंकि पीछे तक अपने जितने अनुप्रयोग पढ़ रहे थे उनके अंदर अपने जो फॉर्मूला भी उत्पन्न कर रहे थे उस फॉर्मूले के अंदर स्मॉल एक्स नहीं आ रहा था। जब स्मॉल एक्स नहीं आ रहा था तो अपने मानकीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु अब जब अपने इनका फॉर्मूला लिखेंगे सूत्र भी उत्पन्न करेंगे तो उसमें जो फॉर्मूला लिखेंगे उसके अंदर क्या होगी विभव प्रवणता स्मॉल एक्स भी आएगी। अगर स्मॉल एक्स विभव प्रवणता उसमें आएगी तो अपने विभव मापी का मानकीकरण जो है वो क्या हो जाता है आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर एक आप लोग ये भी बात याद रखोगे कि विभव मापी का मानकीकरण भी किया जाएगा। फिर अपने क्या करना है एक प्रतिरोध बॉक्स लगाना है, क्योंकि जब प्रतिरोध बॉक्स जोड़ेंगे तभी तो क्या होगा अपनी वोल्टमीटर लगाएंगे तभी अपने पास में वोल्टेज जो है वो आएगी। ठीक है, ये देखिए एक्स और वाई और यहाँ जोकी लगी हुई है पॉइंट सी पर और ये क्या है जेड है। अब अपने क्या कर देना है यहाँ सेल लगा देना है, यहाँ एक कुंजी जोड़ देनी है, ये के वन है तो ये के टू लिख देना और इसे आर एच वन लिख दिया, इसे आर एच टू लिख देना आर एच टू। ठीक है, आर एच टू ये अपने पास में क्या बन जाता है एक परिपथ बन जाता है। ठीक है, और इस परिपथ की सहायता से अपने क्या करना है इस परिपथ की सहायता से ही अपने को जो वोल्टमीटर है उस वोल्टमीटर का अंशांकन या अंश शोधन करना है। ठीक है, ये जो वोल्टमीटर है इसी की सहायता से अपने को क्या करना है अंशांकन या अंश शोधन, ये प्लस है और ये माइनस अभी इसका, और इस तरीके से इसमें क्या होगी धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, और यहाँ इसमें धारा प्रवाहित हो ही रही है। तो ये जो अपने पास में परिपथ बन गया ये क्या है वोल्टमीटर के अंश शोधन या अंशांकन के लिए आवश्यक परिपथ चित्र है। अब अपने बात करते हैं इसकी कार्य प्रणाली की या कार्य विधि की कि ये काम कैसे करेगा। कार्य विधि या कार्य प्रणाली, देखिए इसके अंदर परिपथ चित्र में आप लोग एक तो ये ध्यान रखोगे कि ये जो है वो क्या है विभव मापी का प्राथमिक परिपथ है। प्राथमिक परिपथ तो आपको सबसे पहले बनाना ही बनाना है। प्राथमिक परिपथ बनाने के बाद में ये आ जाता है इसका द्वितीयक परिपथ। द्वितीयक परिपथ के अंदर एक परिपथ ये भी आता है जिसके अंदर क्या किया जाता है विभव मापी का मानकीकरण किया जाता है। मानकीकरण के लिए अपने क्या लगाते हैं मानक सेल काम में लेते हैं। ये थोड़ा आज अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट में जब समय बसेगा उसके अंदर मैं आपको कुछ एक बातें इसकी फिर से बता दूंगा। मानकीकरण सुग्राहिता ये टर्म जो है अपने किस प्रकार से काम आती है। ठीक है, तो ये अपने पास में मानकीकरण वाला परिपथ आ गया और ये जो है वो वोल्टमीटर का अंशांकन या अंशोधन परिपथ आ गया। इसके अंदर अपने क्या किया गया एक प्रतिरोध बॉक्स लगाया गया, क्योंकि प्रतिरोध के सिरों पर क्या होती है विभव पतन होता है या वोल्टेज होती है और वहीं से अपने को वी का मान क्या करना है ज्ञात करना है। जो वोल्टमीटर है उसका पठ्यांग अपने आरबी के जो ये किनारे यहाँ से प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसके साथ में एक सेल है एक कुंजी है और यहाँ क्या जुड़ा गया है एक धारा नियंत्रक आर एच टू जुड़ा गया है। ठीक है, कार्य विधि देखिए सबसे पहले क्या किया जाएगा सबसे पहले कुंजी के वन को जोड़ा जाएगा। जैसे ही कुंजी के वन को आप लोग जोड़ोगे विभव मापी का जो प्राथमिक परिपथ है उस प्राथमिक परिपथ में क्या होगी धारा प्रवाहित होगी। कुंजी के वन को लगाते ही विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में क्या प्रवाहित हो रही है धारा प्रवाहित हो रही है। फिर अपने क्या करेंगे उसके बाद में अपने इसे जोड़ेंगे जो X और Z टर्मिनल है इन्हें आपस में जोड़ देंगे जिससे मानक सेल जो है वो अपने द्वितीय परिपथ में आ जाएगा और गैल्वेनोमीटर के साथ में तार कहाँ चला जाएगा जोकी में चला जाएगा। ठीक है, जैसे इसे जोड़ा तार जोकी में और आगे चला जाता है गैल्वेनोमीटर से हिलता हुआ। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा सबसे पहले यहाँ पर संतुलन लंबाई जो है वो प्राप्त करेंगे यानी अपने ए से लेकर के बी तक क्या करेंगे जोकी को आगे लेकर के जाएंगे। जिस भी पॉइंट पर जो अपनी धारा मापी है उसमें विक्षेप जीरो आएगा वो अपना पॉइंट क्या होगा संतुलन बिंदु या संतुलन लंबाई हमारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ई एस जो है वो किसके बराबर आएगा एक्स एल वन के बराबर आ जाएगा। एल वन जो है वो क्या है संतुलन लंबाई है और ई एस जो है वो किसका विद्युत वाहक बल है वो मानक सेल का विद्युत वाहक बल है। स्मॉल एक्स जो है वो क्या है विभव प्रवणता है। तो स्मॉल एक्स किसके बराबर आ गया स्मॉल एक्स बराबर आ गया ई एस अपॉन एल वन के बराबर। ठीक है, तो स्मॉल एक्स का मान कितना आ गया ई एस अपॉन एल वन आ गया। अपने आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द्वितीयक परिपथ के अंदर जो वोल्टमीटर लगा हुआ है उसकी, तो इसे हटा दोगे
इसे हटाने के बाद में क्या करोगे, जेड और वाई को आपस में जोड़ दोगे। जेड और वाई को आपस में जोड़ दिया, जो प्रतिरोध बॉक्स है उसमें से कोई एक प्रतिरोध निकाल लेंगे। प्रतिरोध निकालेंगे तभी क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होगी। तो आपने जेड और वाई को क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया। और ए से लेकर के बी तक जाओगे आप लोग, ए से बी तक आप लोग जाओगे और फिर से क्या प्राप्त करोगे, संतुलन लंबाई जो है वो प्राप्त करोगे। ए से बी तक जाकर के आपको क्या करना है, संतुलन लंबाई जो है वो प्राप्त करनी है। जो भी संतुलन लंबाई आपकी आएगी वो कितनी आएगी, एल टू आएगी। यानी आपके पास में पाठ्यांक किसका आ जाएगा, अब आपके पास में जो पाठ्यांक आएगा वो आएगा आपके पास में वी का, ठीक है। अब जो आपके पास में पाठ्यांक आएगा वो किसका आएगा, वी का आएगा, ठीक है। क्योंकि जो अपने विभवांतर ज्ञात करेंगे उसे अपने इस प्रतिरोध के सिरों पर ही वो विभवांतर आएगा, और वो कितना आएगा, वो आएगा वी इक्वल एक्स एल टू। एल टू यहाँ पर क्या है, संतुलन लंबाई है, एक्स जो है वो क्या है, विभव प्रवणता है, और वी की जगह मैं क्या लिखता हूँ, वी डैश लिख देता हूँ, ठीक है। जो विभव मापी के द्वारा अपने वोल्टेज ज्ञात कर रहे हैं वहाँ पर, उसे अपने किससे लिख दिया, वी डैश से लिख दिया, क्योंकि अपने आगे वोल्टमीटर से भी यही वोल्टेज ज्ञात करनी है, और वोल्टमीटर की जो वोल्टेज है उसे अपने किससे लिख देंगे, वी से लिख देंगे। तो वी डैश किसके बराबर है, एक्स एल टू के बराबर है। एक्स का यहाँ पर मान रख दीजिए, एक्स का मान आप लोग रखोगे तो वी डैश किसके बराबर आएगा, ये आएगा ई एस अपॉन एल वन इंटू एल टू। वी डैश किसके बराबर, ई एस अपॉन एल वन इंटू एल टू, ये हमारे पास में आ जाती है समीकरण दो। वी डैश इक्वल ई एस अपॉन एल वन इंटू एल टू, ये किसका मान है, ये विभव मापी द्वारा लिए गए वोल्टमीटर का, इसका विभव मापी के द्वारा लिए गए विभवांतर का मान है, जो प्रतिरोध के सिरों पर अपने प्राप्त किया है। अब अपने क्या करना है, अब आपको ये भी पता है कि परिपथ के अंदर जहाँ विभव ड्रॉप हो रहा है, जिसके लिए विभव मापी ने ज्ञात किया है, वहाँ पर एक क्या लगा हुआ है, वहाँ पर एक वोल्टमीटर भी लगा हुआ है। यदि यहाँ पर एक वोल्टमीटर भी लगा हुआ है तो वोल्टमीटर के भी अंदर कोई ना कोई पाठ्यांक आएगा, तो जो वोल्टमीटर का पाठ्यांक वो अपने मानना पड़ेगा, और मान लेते हैं वो कितना है, V है। तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक जो है उसे अपने किससे लिख देते हैं, V से लिख देते हैं। और अब अपने क्या करेंगे, अब अपने वोल्टमीटर के पाठ्यांक में जो त्रुटि आई है अपने लिखेंगे, वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि, वोल्टमीटर के वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि, इसे अपने लिख देंगे प्लस माइनस डेल वी से, किसके बराबर, वी माइनस वी डेस के बराबर, ठीक है। जो वोल्टमीटर का पाठ्यांक है उसमें त्रुटि मान लेंगे कितनी है, डेल वी है, और किसके बराबर है, V माइनस वी डैश के बराबर है। ये अपने पास में किसका मान है, ये हमारे पास में वोल्टमीटर जो है उस वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि का मान है, ठीक है। अपने आगे बढ़ते हैं, और अब अपने क्या करना है, अंशांकन वक्र बनाना है। अंशांकन वक्र हम लोगों को बनाना है। देखिए, एक तो जब इसका अंशांकन किया जाता है तो ये जो रीडिंग है वो अपने मान बदल बदल करके 6-7 रीडिंग जो है अपने क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इन त्रुटियों की प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही आप लोग मान बदलते जाओगे, प्रतिरोध जो है इनका मान आप लोग बदलते जाओगे, तो उससे आपके पास में जो रीडिंग है वो भी लगातार क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी, ठीक है। ये जो प्रतिरोध बॉक्स लगा हुआ है इसके अंदर क्या है, प्रतिरोध आर है, और आर के मान आप लोगों को क्या करते जाने, लगातार बदलते जाने। जैसे जैसे आर के मान बदलोगे, वी इक्वल आर आई फॉर्मूले से वोल्टेज भी वहाँ पर क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी, और उन बदलती हुई वोल्टेज से आप लोग क्या करोगे, डेल वी का मान जो है वो ज्ञात कर लोगे, ठीक है। फिर त्रुटि और जो वोल्टमीटर का पाठ्यांक है उसके मध्य आप लोग क्या करोगे, वक्र खींचोगे। तो अब अपने बात करते हैं इसके अंदर अंशांकन या अंशोधन वक्र की। अब अपना आएगा इसमें अंशांकन या अंशोधन वक्र, अंशोधन या अंशांकन वक्र, अंशोधन या अंशांकन वक्र, ठीक है। अंशोधन या अंशांकन वक्र का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अपने वोल्टमीटर के पाठ्यांक और जो त्रुटि है उनके जो पाठ्यांक है उसके मध्य अपने क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। वो जो ग्राफ आएगा उसे अपने क्या कहते हैं, उस ग्राफ को अपने कहा जाता है अंशांकन या अंशोधन वक्र, ठीक है। अब जो अपने ग्राफ खींचेंगे वो ग्राफ क्या कहलाएगा, वो ग्राफ कहलाएगा अंशांकन या अंशोधन वक्र, प्लस माइनस डेल वी इक्वल वी माइनस वी डैश, ठीक है। प्लस माइनस डेल वी इक्वल वी माइनस वी डैश, इसके मान इस तरफ भी आ रहे हैं, इस तरफ भी आ रहे हैं। ये किसके मान है, ये त्रुटियों के
मान है, ठीक है। और ईश्वर कौन आ रहा है, वी आ रहा है मतलब वोल्ट मीटर का पाठ्यांक आ रहा है, ठीक है। ये इसका जीरो पॉइंट है। अपने ये जो ग्राफ है ये बिंदु से बिंदु ग्राफ जो है अपने को प्राप्त होता है, पॉइंट टू पॉइंट ग्राफ जो है अपने को मिलता है। जैसे कुछ एक रीडिंग अगर मैं मान करके चलूँ इसकी, कि आपने जो अलग अलग रीडिंग्स प्राप्त किए वो इस प्रकार से क्या आ गई है, इसकी कुछ एक रीडिंग आ गई है, जैसे ये पॉइंट मैंने बना दिए, तो ये ग्राफ जो आपका कैसा आएगा, ये ग्राफ आएगा बिंदु से बिंदु ग्राफ, ठीक है। इस तरीके से ये बिंदु से बिंदु ग्राफ जो है अपने को प्राप्त हो जाएगी। ये किसी भी प्रकार का ग्राफ आ सकता है, पर बिंदु से बिंदु ग्राफ जो है अपने यहाँ पर इसका प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या है, अंशांकन या अंशोधन वक्र है, अंशांकन या अंशोधन वक्र। देखिए, एक तो इस ग्राफ की कोई निश्चित संरचना नहीं है, कोई निश्चित ज्यामिति नहीं है, ये किसी भी प्रकार का ग्राफ जो है अपने को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये तो त्रुटियां हैं, और त्रुटियां जो है हमारे पास में किसी भी प्रकार की प्राप्त हो सकती है। अपने आगे बढ़ते हैं और नया टॉपिक शुरू करते हैं, जो अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है विभवमापी के द्वारा एमीटर का अंश शोधन, ठीक है। विभवमापी के द्वारा एमीटर का अंश शोधन, अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसके साथ ही अपनी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और अपने सातवें चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो आप लोग ये मान करके चलो कि लगभग 10 आपके टोटल चैप्टर है फर्स्ट फिजिक्स में, और 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब 60% जो सिलेबस है आपका वो कवर हो जाएगा। फिर अपना सातवां चैप्टर आएगा, देखो अपना लास्ट टॉपिक है विभवमापी की सहायता से एमीटर का अंश शोधन, ठीक है। विभवमापी की सहायता से एमीटर का अंश शोधन, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि एमीटर जो है वो बनता कैसे है, वोल्टमीटर में सातवीं मैंने बता दिया था, अंशोधन का मतलब भी मैंने आपको बता दिया था। अब देखो विभवमापी जो है, विभवमापी का काम होता है वोल्टेज का मान ज्ञात करना, विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना, परंतु अगर परिपथ के अंदर जहाँ आर भी लगा था वहाँ यदि अपने क्या कर दें, 1 ओम का मानक प्रतिरोध जो है वो काम में ले, वहाँ पर अपने यदि क्या कर दें 1 ओम का मानक प्रतिरोध काम में ले, तो V इक्वल आर आई जो आपका फॉर्मूला है, V इक्वल आर आई जो फॉर्मूला है, उससे V किसके बराबर हो जाए, 1 गुणा I, यानी V और I जो है उसके मान आपको क्या प्राप्त हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर प्राप्त हो जाएंगे। आई बात समझे, यानी यदि परिपथ में अपने 1 ओम का मानक प्रतिरोध काम में लिया जाता है तो उसमें हम लोग जो वोल्टेज ज्ञात कर रहे हैं वो वोल्टेज ही किसके बराबर आ जाएगी, धारा के बराबर आ जाएगी, ठीक है। 1 ओम का मानक प्रतिरोध काम में लेने पर अपनी वोल्टेज और धारा जो है वो एक दूसरे के बराबर आ जाएगी। तो अब अपने क्या कर लेंगे, 1 ओम का मानक प्रतिरोध लगा करके परिपथ के अंदर वोल्टेज ज्ञात करेंगे विभवमापी से, और वो वोल्टेज किसके बराबर आ जाएगी, धारा के बराबर आ जाएगी। एक एमीटर काम में लेंगे जिससे अपने क्या कर सकें, इसका अंशोधन कर सकें। तो सबसे पहले अपने इसका परिपथ चित्र देखते हैं, इसका परिपथ चित्र जो है वो किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो देखिए इसका परिपथ चित्र, परिपथ संयोजन, तो एक तो सेल लगा हुआ है यहाँ, एक कुंजी लगी हुई है, और एक यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इसके धारा नियंत्रक जो है वो लगा हुआ है, धारा नियंत्रक आर एच जो अपने लगा रखा है, इसे आर एच वन से इसे के वन से अपने लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या लगा हुआ है, एक सेल लगा हुआ है, मानक सेल है ये, मानकीकरण के लिए काम में ले रखा है, और इस जगह अपने क्या कर दिया, 1 ओम का मानक प्रतिरोध जो है वो काम में ले लिया है, ठीक है। 1 ओम का मानक प्रतिरोध काम में लिया है। अब अपने यहाँ क्या कर दिया, एक और धारा नियंत्रक लगा दिया RS2, यहाँ एक कुंजी लगा दी K2, और यहाँ अपने क्या कर दिया, एक सेल काम में ले लिया E, ठीक है, एक सेल काम में अपने ले लिया। ये मानक प्रतिरोध है कितने ओम का, 1 ओम का मानक प्रतिरोध है, ठीक है, 1 ओम का मानक प्रतिरोध है। और इस जगह से अपने एक तार निकालेंगे, उसे यहाँ ले जाएंगे, और ये गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से जोखिम में पॉइंट सी पर, एक्स वाई और
जेड, ठीक है, ये अपना परिपथ क्षेत्र बन जाता है एमीटर के अंशांकन के लिए। तो एमीटर का अंशांकन जो है उसके लिए परिपथ क्षेत्र कैसा काम में लेना है, तो अपने सामने जैसा बना रखा है उस प्रकार का परिपथ क्षेत्र जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ पर काम में लेना है। आगे बढ़ते हैं अपने और बात करते हैं कि इसका अंशांकन किया कैसे जाएगा, इसकी कार्यविधि क्या होगी। तो कार्यविधि के अंदर सबसे पहले तो आपको ये पता है कि ये अपने द्विमार्गी कुंजी लगाई रखी है यहाँ, तो एक बार तो अपने इसे किसके साथ जुड़ेंगे, इसके साथ जुड़ेंगे। जैसे ही आप लोग इसे इसके साथ में जोड़ोगे आपके पास में किसका मान प्राप्त हो जाएगा, आप कार्यविधि बता रहा हूँ अभी इसकी, ठीक है, क्योंकि बाकी सारी बातें तो इसकी जैसे अपने वोल्टमीटर किया था वोल्टमीटर के जैसे ही है, वोल्टमीटर का जब अपने अंशांकन या अंशशोधन किया था लगभग उसके जैसे ही है। पठ्यांक इसका नोट करना है तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, एक्स और जेड जो टर्मिनल है इन्हें आपस में जोड़ दोगे। जैसे ही आप लोग एक्स और जेड टर्मिनलों को आपस में जोड़ोगे तो ये द्वितीयक परिपथ में आ जाएगा और ई एस का मान जो है आपको प्राप्त होगा, और कितना प्राप्त होगा, एक्स एल वन मान जो है वो आपका प्राप्त होगा। फिर आपको क्या करना है, फिर इसे हटा देना है और इसे जोड़ देना है। जैसे ही आप लोग इसे जोड़ोगे आपके पास में यहाँ पर वीबो का मान आएगा, वी डेस जो कितना आएगा, एक्स एल टू आएगा। अब अपने कितने ओम का प्रतिरोध काम में ले रखा है, क्योंकि एक ओम का अपने क्या कर रखा है, मानक प्रतिरोध काम में ले रखा है, इसलिए ये किसका मान है, आई डेस का मान है, और कितना है, एक्स एल टू है। तो अपना आई डेस किसके बराबर, एक्स का मान यदि यहाँ से निकालें तो ये ई एस अपॉन एल वन, तो ये आया ई एस अपॉन एल वन इंटू एल टू, ठीक है, कितना आया, आई डेस इक्वल आया ई एस अपॉन एल वन इंटू आई एल इंटू एल टू। ये हमारे पास में आई डेस का मान जो है वो प्राप्त हो जाता है, ठीक है, आई डेस इक्वल ई एस अपॉन एल वन इंटू एल टू। अब देखो अगर त्रुटि की बात करें कि यहाँ पर त्रुटि कितनी आ रही है, तो त्रुटि का जो पठ्यांक आ रहा है वो आ रहा है डेल आई किसके बराबर, आई माइनस आई डेस के, आई माइनस आई डेस जो है वो हमारे पास में क्या है, त्रुटि है। अब ये आई कहाँ से आया है, ये आई अपने किसके द्वारा नापा गया है, ये मापा गया है जो परिपथ के अंदर हम लोगों ने एमीटर लगा रखा है उस एमीटर का जो पठ्यांक है वो कितना मान लिया है हमने, आई मान लिया। तो एमीटर का पठ्यांक तो आई है और परिपथ के अंदर जो त्रुटि आ रही है वो डेल आई इक्वल आई माइनस डेल आई माइनस आई डेस आ रही है, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। इसे वी वन नोट्स में वी वन के साथ में इसे लिखा गया है, वी वन आपकी मर्जी है, आप लोग इसे वी वन लिखो वी डेस लिखो, मैंने जो पीछे टॉपिक किया है बिल्कुल सेम टू सेम उसके जैसा कर दिया यहाँ वी डेस लिख करके, ठीक है, आप कैसे ही करो आपकी मर्जी है। तो ये टॉपिक था एमीटर का अंशांकन, एक अंशांकन वक्र बनाना है जो सेम टू सेम किसके जैसा प्राप्त हो जाएगा, वोल्टमीटर के अंशांकन वक्र जैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। बस फर्क रहेगा किसका, जहाँ आपने वोल्टेज लिख रखी है वहाँ क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, ठीक है। तो अंशांकन वक्र देखिए, इसका अंशांकन या अंशशोधन वक्र, अंशांकन वक्र, तो इसका जो अंशांकन वक्र आप लोग खींचोगे वो इस तरीके से अंशांकन वक्र इसका खींचा जाएगा। इस तरफ क्या आएगा, एमीटर का पाठ्यांक आएगा, ठीक है, और यहाँ क्या आएगी, यहाँ आएगी त्रुटि डेल आई, डेल आई किसके बराबर है, आई माइनस आई डेस के बराबर है। इसका मान इस ओर भी जाएगा, इस ओर भी जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस के मान है, धनात्मक भी आ सकते हैं और ऋणात्मक भी आ सकते हैं, त्रुटियाँ है ये तो अपने पास में। ये वक्र भी कैसा आता है, ये वक्र भी बिंदु से बिंदु ग्राफ जो है अपने को प्राप्त होता है। अब देखिए ग्राफ की शेप कुछ भी हो सकती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है इसी प्रकार का ग्राफ प्राप्त हो आपको, तो कैसा भी ग्राफ आप लोग इसमें बना सकते हो अपनी मर्जी से, कुछ एक पॉइंट बना करके ये ग्राफ आप लोग इसके अंदर बना देना, ठीक है। और ग्राफ के बारे में ध्यान रखना, ये बिंदु से बिंदु ग्राफ जो आप लोगों को प्राप्त होगा, ये ग्राफ है, ये जो ग्राफ है इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे बोला जाता है अंशांकन या अंशशोधन वक्र, ठीक है। जो एक्स एक्स है उस पर अपने एमीटर का पठ्यांक ले रखा है, और जो वाई और वाई डेस एक्स है इस पर अपने क्या कर रखा है, जो त्रुटि है उसका पठ्यांक ले रखा है। इसी तरीके से जो वोल्टमीटर था उसमें अपने जो एक्स एक्स था यहाँ वोल्टमीटर का पठ्यांक ले रहे थे, जो वाई एक्स था इस पर अपने त्रुटियाँ ले रहे थे वोल्टमीटर के अंदर, और किसके अंदर ले रहे थे, डेल वी इक्वल वी माइनस वी डेस के अंदर, ठीक है। तो ये अपना जो वक्र है ये क्या कहलाता है, अंशांकन या अंशशोधन वक्र कहलाता है। इसी टॉपिक के साथ में अपनी जो ये दूसरी यूनिट है, यानी जो पांचवें और छठे चैप्टर सेकंड यूनिट के अंदर थे अपने पाँच नंबर के लिए, वो अपना कंप्लीट हो चुका है। तो पाँच नंबर का ये पढ़ चुके हैं और सात नंबर के जो शुरुआत के चार चैप्टर हैं वो अपने पढ़ चुके हैं। कुल मिलाकर के आप लोग देख सकते हो कि 12 नंबर का काम जो है अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद में अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे, सातवां चैप्टर, और ये जो चैप्टर रहेगा वो कितने अंक का रहेगा, आपका 5 अंक का
चैप्टर रहेगा। ठीक है, तो अब आपके पास में इतना तो ये हो गया, और इसके बाद जो ये चैप्टर बचेगा ये हम लोगों को पढ़ना है। सातवां चैप्टर आपका चुंबक के बारे में, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो है चैप्टर का नाम है। और अब तक हम लोग यहाँ तक क्या कर रहे थे, ये आपने स्थिर विद्युत की पढ़ी थी और ये धारा विद्युत की पढ़ी थी। यहाँ से हम लोग किसके बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे, चुंबक के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। अपना आवेश जो है वो अब क्या हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा, और साथ के साथ वो क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, तो बचा हुआ जो अपना चैप्टर है नेक्स्ट, वो नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है।